अगर कोई दफा ऑन मतलब अपने संघर्ष के बावजूद उबर जाता है तो उसका मतलब जो लक्ष्य वहीं तक सीमित नहीं रहता है। आपको रेलवे में किसी भी जगह पर आप एक एडजस्ट हो गए, आपको हर 2 से 3 साल में आपको अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका हमेशा मिलता है। जो लड़का आज यहाँ मेहनत करके मान लीजिए को ग्रेजुएशन लेवल की मेहनत किया है, संजोग ग्रुप डी में भर्ती हो गया है, उसको हताश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसको डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमेशा उसको ऐसा अवसर मिलेगा कि वो अपना मेरिट को या अपने पद को आगे ले जा सके। मौका दिया, हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि जितना भी संभव हो सके, आप बाहर आके पढ़ रहे हो, जितना भी संभव हो सके और फोकस ऑन दी स्टडी पे लगाइए, इसके अलावा बेहतर कुछ भी नहीं है। आज जितना आपका संघर्ष हार्ड रहेगा यही प्लस पॉइंट रहेगा। आप ड्यूटी करने के दौरान इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। हमने जो पढ़ाई के दौरान मेहनत किया, जो मेरी बेसिक इम्प्रूवमेंट थी वो आज मेरे करीब मैंने 3 डिपार्टमेंट एग्जाम दिया, तीनों मुझे सफलता प्राप्त हुई। लेकिन संजोग बस एक कैटेगरी की जनरल एसटी एसटी की वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गया पैनल में, मैं यूआर से आता हूँ थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन ये जो आपकी प्रिपरेशन है, अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपको यही रिजल्ट तक सीमित नहीं है, ये आगे भी करियर प्रोग्रेशन में आपको काम करेगी। बस मेरा घर मुंगेर जिला है और मैं पापा जी किसान है। रेलवे में जाने से ये सुविधा आपको मिलती है, रेलवे में सिर्फ जो आप खाना खाएंगे वो सिर्फ आपके ऑन एक्सपेंशन होगा, बाकी चीजें आपको रेलवे हर चीज से प्रोवाइड करेंगे, आपके आपके फैमिली के आपके बच्चों की। और जब भी जैसे सर आपको रेलवे क्वार्टर देगी उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, अगर आप पंखा में रहते तो पंखा अगर खराब हो गया इलेक्ट्रीशियन रेलवे का आपको ठीक करेगा, आपको खराब ठीक करवाने के जाना नहीं पड़ेगा। पानी चाहिए वो पानी आपको घर मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी आपको रेलवे देगी। अगर बच्चे आपके किसी हॉस्टल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, डायरेक्ट एजुकेशन मिलता है। अगर आप बीमार हैं वो भी आपको रेलवे केयर करेगी, मतलब हर तरीके से आप सेफ जोन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के क्या होते हैं, पटना भागलपुर में मेहनत तो करते हैं लेकिन किसी कारण बस वो निचले स्तर पर भर्ती हो गए। मान लो कुछ लड़के ऐसे होंगे जो SSC बैंकिंग के देकर लेकिन ग्रुप डी टेक्नीशियन कहीं भर्ती हो गए, तो वही जाकर के एक कम्फर्ट जोन में जाकर रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों रुकना नहीं है आपको, चाहे आप प्लस टू लेवल पे हो चाहे मैट्रिक लेवल भर्ती हो, लेकिन आप अपना मेहनत तब भी जारी रखें जब तक आप जो बनना चाहते हो तब तक वो बन ना जाओ। बाकी सब तो सही है सर। देखिए सर जहाँ तक कसौ की बात है वो किसी के समस्या परे है, लड़के आज इतने प्रतिभावान है कि वो मतलब कोई भी हाईएस्ट मार्क लाने को तैयार है। जैसे कि NTPC का एग्जाम हुआ, हम तो भर्ती में तो 2015 उसमें 67 और मेरा 78 आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन तो हो गया था। लेकिन अब जो है लड़के सोशल मीडिया से हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे वो किसी नए नए नोट्स के माध्यम से जानकारी के लिए बिल्कुल इच्छुक है, उसमें काम भी कर रहे हैं। और आजकल कट ऑफ का कोई सीमा नहीं होता है दोस्तों, हम ही सब में कॉम्पिटिशन है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हम आपको हराने और आप हमको हराने में लग रहे हैं, इसी में कट ऑफ ऊपर जा रहा है। बोर्ड मेरा वेस्टर्न रेलवे से हूं मैं और मेरा भाव मेरा डिवीजन है। और करियर प्रोग्रेशन की बात करने के बाद मैं बोलना चाहता हूं, अगर इसमें से जितने भी लड़के सुन रहे हैं तो अगर आप किसी भी पोस्ट में भर्ती हो जाओ कभी हताश मत होना। खास करके मैं रेलवे की बात करता हूँ, मुझे अदर सेक्टर की नॉलेज नहीं है, रेलवे में आप किसी भी चीज में चले जाओ ड्यूटी करते रहिए और संघर्ष करते रहिए। आप उसमें भी आपको एक से एक ऐसा पोस्ट आएगा, एक स्टेशन के मालिक हो गए। आज आप घर जाते हो तो टिकट कटाने में सोचते हो, मैं टिकट कटाऊं ना कटाऊं, इनकी पकड़ लेगा अभी छोड़ देगा, ये डर हमेशा लगी रहती है। लेकिन आप किसी भी तरह चाहे बाय लक चाहे बाय मेहनत अपने स्ट्रगल पे बाबू किसी तरह किसी भी पोस्ट में भर्ती हो जाओ, नौकरी करते रहना, पेमेंट भी मिलती रहेगी और पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना। जो आप यहाँ आज मेहनत कर रहे हो वही आपको आगे काम आने वाली है, इसलिए इतना ही मत पढ़ो ग्रुप डी में क्या पूछ रहा है, इतना पढ़ो कि मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। कुछ भी ऐसा वेट कर रहे होंगे वो लड़के सिलेबस में ढूंढते हैं कि पिछले साल ग्रुप डी ये आया अब ये आएगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर एक मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव को यूं ही पास कर जाओगे।
बताता हूँ दो मिनट। सर मैं 12th जब पास किया था, मेरे पिताजी बहुत ही गरीब थे, तो जब मैं सोचा कि नौकरी कैसे होती है ये पता करने के लिए मैं भागलपुर गया। एक भैया थे बैंक की तैयारी कर रहे, तुम ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो, जो वो बोले उसी में मैं लग गया। बोलती वो मेरे आउट ऑफ सिलेबस था, हमको बैंकिंग का इंग्लिश बता दिए, ये बता दिए, तो लेकिन फिर मैं टेस्ट से ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आप लोग प्रत्येक दिन सेट मारिए और कोशिश कीजिए कि एक से दो चीज का टेस्ट मारिए, जैसे एनटीपीसी मेंस है या फिर आप एसएससी की बना रहे हो, जरूर दो सेट मारिए। उससे क्या होगा, आपकी जो कमी है आप उस पर फोकस करके उस पर वर्क कर पाओगे। ऐसे लगेगा ये किताब में तो ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ, इसमें सेट मारना बेहद जरूरी है। हमने जो भी जॉब किया तो आपको सर बुरा नहीं लगना चाहिए, मैंने किसी टीचर से नहीं सीखा था। हमने फर्स्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उसमें मेरा 170 लड़के सब ग्रुप में करते थे, 60-70 लड़के होते थे। पहले मेरा 30 नंबर आना शुरू हुआ, फिर मैं देखा 70 में कौन कौन से गलती हो रहे हैं, फिर 50 आया। इस तरह से मैं एक दिन उसी मतलब ट्यूशन था, एक ट्यूशन था इंग्लिश क्लासेस, उसका मैं टॉप रैंक में रहता था और लगातार 6 महीना टॉप रहा, हमेशा टॉप रहता था। उसी दौरान मेरा 3 रिजल्ट हुआ, तो मैं रेलवे को सेफ लगा और रेलवे में बैठ गया।